ये हमें मार डालेंगे क्या? उनके हाथों मरने से बेहतर है मामा कि उनको मार डालें। बाप रे। भांजे, तूने बोला था कि तू मारेगा, लेकिन खुद ही मार खा रहा है। मैं तुम सबको एंटरटेन करूंगा। भांजे, इनके शर्ट पे लाइट कैसे चल रही? अब देखना मामा, अंधेरे में मजा आएगा। धागा खोल दे भांजे। ए, वो कोई मैजिक करने वाला है, चलो उसे मार डालो। उसने हमारे शर्ट पे रंग लगा दिया है, शर्ट उतार दो। निकालो निकालो जल्दी, छोड़ना मत उसको। चलो देखो, चलो। ए, इस पे पेंट लगा है, उतार दे। शर्ट उतारेगा या मार खाएगा? ए, फोन करके पूछ उस एसआई को मारा कि नहीं। खुद भी नहीं सोता, मुझे भी नहीं सोने देता। हेलो, नहीं उठा रहा है सर। एक बार और ट्राई कर। ये भी नहीं उठा रहा है सर। तो दूसरे को ट्राई कर। करता हूँ सर। वेंकटेश, फाइनल लिस्ट रेडी है ना? रेडी है सर, टोटल 70 मेंबर्स। कौन है रे तू? फाइनल लिस्ट में तेरा नाम नहीं है ना, तो उन लोगों के लाइन में क्यों खड़ा है? ए वेंकटेश, हम जैसे लोगों को अगर काम करना है तो ऊपर वालों की बातें सुननी पड़ेंगी। छोड़ दो। कैसे छोड़ दे सर, उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस की है, वो अपना रिजल्ट आने का वेट कर रहे थे। वो लोग इतनी मेहनत करके यहाँ आए हैं तो आप ऐसे लोगों को इंक्रेज कर रहे हैं सर। वो किसका आदमी है पता है? मैं एमएलए बात कर रहा हूँ, वो मेरा आदमी है। फाइनल लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए,
कमिश्नर और मीडिया के नाम पर बवाल किया ना तो ट्रांसफर लिस्ट में तेरा नाम होगा। सर आप कहीं भी ट्रांसफर करवा दे लेकिन मैं पुलिस वाला ही रहूंगा। तो अपना सामान बांध ले। न्याय अन्याय ईमानदारी की वजह से देख तेरा क्या हाल हो गया है। हमें तकलीफ दे रहा है, ये सब जरूरी है क्या? उसे रोकने से तुझे क्या मिला? ऊपर से ट्रांसफर हो गया। पिताजी, जहाज कितना भी बड़ा हो एक छोटा सा छेद उसे डुबो सकता है, और ऐसे ही एक रिस्पेक्टफुल जॉब को बदनाम करने के लिए बस एक ऑफिसर ही काफी होता है। ऐसे इंसान को रोकने के लिए मेरा ट्रांसफर क्यों ना हो जाए? इसमें सोने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अब तेरे भले के लिए और मैं क्या कहूँ। तू अपनी इस अच्छाई की वजह से ही आज तक तू कांस्टेबल ही रह गया है बेटा। इस बात का दुख मनाऊं मैं? हमारी छोड़ तुझे दुख नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता है पिताजी, आपसे ज्यादा दुखी हूं मैं। लेकिन ये एक दिन अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर मेरे दुख को कम करेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। क्यों रे, तू ऑफिसर बनेगा ना? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक दिन पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। ये लिख लो आप। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ट्रैफिक हो रहा है, रास्ता दो। जब तक भैया की गाड़ी नहीं गुजरेगी कोई गाड़ी नहीं जाएगी। किसी की जान जा रही हो, तुम लोग भाई का नाम रट रहे हो। चलो हटो। ए चल हट। चलो तुम लोग हटो हटो। ये सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरा सोच समझ कर ड्यूटी कर। उधर से फेंका तो इधर गिरा, अब फेंकूंगा नहीं, याद रखना। छोड़ दीजिए सर, पब्लिक देख रही है, चलिए चलते हैं। ए, ट्रैफिक क्लियर करो। आइए सर, चलिए आइए। उसका बेटा हो के तुझे इतना दुख हो रहा है, उसका पिता हूँ सोच कितना दुख हो रहा होगा। अब बस तुझसे ही उम्मीद है बेटा, तू अगर बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया तो वो तुझ में अपने आप को देखेगा। इसलिए तेरे पिताजी तेरे बारे में जैसा सोच रहे हैं वैसे ही तू बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना बेटा, बनेगा ना बेटा? बन के क्या उखाड़ूंगा, ऑफिसर बन के उनके आगे पीछे घूमता रहा हूँ, जिंदगी भर बेइज्जती कराता रहा हूँ। बेटा कैसी बातें कर रहा है? और कैसी बातें करूँ दादाजी, अपनी आंखों के सामने बेइज्जती होते हुए देखकर कोई पुलिस वाला बनना चाहेगा क्या? ईमानदारी से काम करो तो ट्रांसफर, और सिंसियरली ड्यूटी करो तो डिसमिस। कोई त्योहार नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, पूरी तरह से कोई लाइफ ही नहीं है। इससे तो बढ़िया मैं पीयून की नौकरी कर लूँ। ये सब क्या बोल रहे तू? तेरी बातें सुन के मेरा फ्यूज उड़ गया। तेरे पिता को पता चला तो? उनको पता ना चले इसलिए तो मैनेज करते आ रहा हूँ। मैनेज क्यों कर रहा है तू, बता सकता है ना? कैसे बताऊं दादाजी, मेरा गुस्सा मेरे पिताजी पर नहीं है, उनकी जॉब पर है। वो जो जॉब करते हैं वो पसंद नहीं है, जॉब से ज्यादा मैं उन्हें चाहता हूं। आखिर ऐसा कैसे चलेगा बेटा? पोल खुलनी होगी तो खुल जाएगी दादाजी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। और आप जल्दबाजी मत करना, पिताजी को तकलीफ मत देना। अरे केबल मास्टर, इस बार अगर पिक्चर ठीक से नहीं आई ना तो कटवा दूंगा, कह देता हूँ। क्या कटवा दोगे? अरे कनेक्शन। हाँ। आप देखो पिक्चर आएगी, एक बार बटन दबाओ। मैं चाहता हूँ कि तू एक दिन मुझसे भी ज्यादा बड़ा अधिकारी बने। देखा ना कितनी अच्छी पिक्चर आ रही है। कुमार स्वामी, गोपाल स्वामी मुझे हल्के में ले रहे थे, देखा ना? जय बालिया। दादाजी मुझसे नहीं होगा। आज के बाद टीवी में पिक्चर आए ना आए चलेगा, लेकिन पुलिस वाले की फिल्म दिखी तो काट डालूंगा। अब सुबह सुबह क्या हंगामा हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, मुझे पुलिस वाला बनना है ना, तो कॉन्फिडेंस के लिए पुलिस की फिल्म देख रहा था तो इसने बोला नहीं आएगी। अरे इसने तो फंसा दिया। आज के बाद हर एक चैनल पर पुलिस की फिल्म आनी चाहिए, नहीं तो कनेक्शन कटवा दूंगा, समझ गया? कैसे हैं आप लोग, वो कट करते हैं, आप कट करते हैं, ये कट करते हैं, सब कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा?
बेटा तेरे हर जन्मदिन के समय जो बात मैं तुझसे कहता हूँ वही हासिल करने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। मैं ईमानदारी और बदकिस्मती से ऐसा ही बनकर रह गया, लेकिन तू मेरा सपना पूरा करेगा क्योंकि मैं जैसा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। जनता को जैसा पुलिस ऑफिसर चाहिए तो वैसा ही बनना। जब तू पुलिस ऑफिसर बनेगा तब मैं तुझे सैल्यूट करना चाहूंगा। यही मेरा सपना है। वादा पूरा करेगा ना? हाँ करूंगा ना पिताजी। सर सर जस्ट 10 मिनट सर, वो आ रहे हैं। व्हाट 10 मिनट्स? यू नो हु आई एम? हर चीज को 10 मिनट में डिसाइड करता हूँ, 10 मिनट में सीएम से डील कर लेता हूँ, और ये क्या है? मैं यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। कर क्या रहा है तुम्हारा ये होम मिनिस्टर? वो अंदर किसी के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। धरती के घूमने का मतलब ये नहीं कि पावर धरती की है, पावर सिर्फ सूर्य की है। किसकी पावर है? आपकी है, आपकी ही है। माफ कर दो, गलती हो गई। पार्टी को फंड चाहिए तो हमसे आकर हाथ मिलाते हैं, हमें जरूरत होती है तो हमें इंतजार कराते हैं। और सुनो, सेटलमेंट मीटिंग उनकी होती है, हमारी नहीं। मैं समझ सकता हूँ सर, आपका दर्द समझता हूँ मैं। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भगवान के सामने इंसान को भक्ति या भय से खड़ा होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने बीबी बच्चों की कसम खाता हूँ, आज के बाद बिना आपसे पूछे कुछ भी नहीं करूँगा। मुझ पर विश्वास कीजिए। सर 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 रुकिए सर, वो 5 मिनट में आ जाएंगे सर। वो आएंगे नहीं और मैं रुकूंगा नहीं। मुझे जो काम है डायरेक्ट सीएम से करवा लूंगा। किससे? सीएम से। अंदर सीएम के साथ ही फुटबॉल खेल रहे हैं वो। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। कांतम रेड्डी से पूछे बिना तू किसी को जुबान देता है? हाँ, मैंने तुझे उस कुर्सी पर बिठाया है सिर्फ मेरे फायदे के लिए, तेरे खुद के सुख के लिए नहीं। वो कुर्सी तेरी है लेकिन पावर मेरा है। इस स्टेट में किसे खड़ा होना चाहिए, किसको कुर्सी मिलनी चाहिए, किसको मनाना है, किसके साथ क्या करना चाहिए, वो डिसाइड करने वाला मैं हूँ। तू अगर अपनी मर्जी से फैसला लेगा तो उस कुर्सी पर क्या, इस धरती पर नहीं रह सकता। चला जा। ठीक है। उसको आने के लिए बोलो। वो कब का चला गया सर? जरा इसे पढ़िए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार हमारी पार्टी इस बार हार का मुंह देख रही है। इसमें यही लिखा है ना? जो होने वाला है ये इसमें लिखा है, पर जो होगा वो मैं बताता हूँ। सुनो, प्लान तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आने दो, देख लो। सोच रहे हैं पुलिस में जिसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है वो इतनी मेहनत कर रहा है, और जो मना कर रहा था वो इतना भाग रहा है, यही सोच रहे हो ना? आइए बताता हूँ। ए दोस्त, अब तक जहाँ जहाँ सिलेक्शन हुआ वहाँ तूने मेरे जीजा का नाम बोलकर मैनेज किया था मुझे। सिलेक्शन का क्या हुआ? वो पापा रनिंग में मिस हो गया। अरे बाबा, मामा कितने सारे सिलेक्शन हमने मना कर दिए, लेकिन ये सिलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मामा। इस बार लॉन्ग और हाई जंप में मिस हो गया पापा। एक टाइम में दोनों कैसे मिस कर सकता है? क्या है ना, लॉन्ग समझकर हाई जंप कर दी ना, इसलिए चला गया।
देखो इस बार बगल में ही सिलेक्शन है और साथ में तेरे पापा है। ए, थोड़ा जल्दी चलो, सिलेक्शन का टाइम हो रहा है। आ रहा हूँ, आप जाइए। अब क्या करेंगे भांजे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है मामा, पापा वहाँ पर रहेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बहुत ही बड़े चक्रव्यूह में फंस गए हो भांजे। देखते हैं क्या कर सकते हैं, वैसे फंस तो गया ही हूँ। क्या बात है, रास्ते में रुक गया तू? मामा मेरे आधे घंटे के लिए वो आधा किलोमीटर दूर से मुझे भागता हुआ नजर आ रहा है, देखिए। ए रुको, रुको, रुक जा। ए अरे रुक, ए रुक जा। हाँ जी पिताजी देख रहे हैं। आप बताइए पापा, इनके साथ इंसाफ करके पुलिस बनूं या इनकी धुलाई करके हीरो बन जाऊं? हाँ सही है, मैं तो कहता हूँ तो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दे। अरे नाटक कर रहा है क्या? अरे वो सब तो मैंने पहले ही सोच लिया है, चलो आ जाओ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, पूरे 10 लोग हैं। एक एक को मारूंगा तो 5 मिनट, अगर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो 1 घंटा। इधर टाइम भी हो जाएगा, उधर सिलेक्शन भी हो जाएगा। आ जाओ, आराम से आओ, मलाई की तरह आराम से धुलाई करूंगा। ऑटो मीटर डाल, चलो आ जाओ। ए, वो सेफ है, अब टाइम हो गया। अरे ऐसे कैसे, टाइम तो निकल गया। पहले बैच का टाइम हो गया है और दूसरे बैच का टाइम स्टार्ट होने वाला है। क्या कहा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, चल जल्दी चल। हो रहा है, थोड़ा तेज दौड़ना। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली, कहाँ रहेगी वो? जो बात कोई नहीं बता सकता वो मेरा तोता बता देगा जी। अच्छा इतनी भविष्यवाणी जानता है क्या? आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर जोशी में जरा भी गड़बड़ हुई ना तो देख लेना ये टिन टप्पर मेरे दारू पीने के काम आएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी। कौआ है,
और पिंडदान के काम आता है उससे फ्यूचर बुलवाएगा। आजकल मार्केट में तोते की शॉर्टेज चल रही है ना सर, इसीलिए। कौवे जी जरा इन साहब के भाग्य की चिट्ठी निकालना। अबे रात की बची हुई दारू तुमने इसको पिला दी थी क्या? कौन सा भी पत्ता निकाल के दिखा रहा है? साहब मेरा कौवा एकदम सही बोलता है। एक खींच कर दूंगा, फिर से निकाल, सही निकाल, चल निकाल। फिर से पुलिस। मामा अब तेरा बहुत हुआ, तीन का डिब्बा मुझे दे, चल। पहले मेरी एक बात सुन लो, मेरा कौवा बार बार खाकी निकाल रहा है, इसका मतलब ये पुलिस ही बनेगा। मेरा कौवा झूठ नहीं बोलता। पुलिस देखा ना, सच है। सही बोला तुम। अरे अर्जुन कांग्रेट्स, इसलिए पापा आज अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है एसआई की पोस्ट के लिए। हैदराबाद के पंचकुटा पुलिस स्टेशन में तुम्हारी पोस्ट। ऐसी शक्ल बनाई है जैसे कवे की बात सच निकली है। बेटा तुम इसे सिर्फ ड्रेस मत समझना, जो मुसीबत में हो उसकी रक्षा करना। औरतों की इज्जत बचाने के लिए हमें शेर की टोपी दी गई है। सोसाइटी में रहकर तुम्हें सोसाइटी की रक्षा करनी ही होगी। एक बात और बेटा, अपनी ताकत अपनों पर अपने फ्रेंड्स पर इस्तेमाल कभी भी मत करना। सिर्फ न्याय के रास्ते पर चलना, तभी डिपार्टमेंट के अंदर तेरा नाम रोशन होगा और सोसाइटी भी तुझे इज्जत देगी। बेन बुलाया मेहमान की तरह तू आ गई, तुझे जरा से भी शर्म नहीं है? मैं बचपन से तुझे आई हेट यू कह रहा हूँ और तू है कि आई लव यू कहकर मुझसे चिपक रही है। ए, रोक! इतना की हिल रही है, दारू मैंने पिया या तूने? मांजे ये तुझसे डर नहीं रही है, बेवजह तेरे सामने हिल रही है। कट कर डाल इसे, चल। करेक्ट बोला मामा। भांजे ये तूने क्या कर दिया, कपड़े पहना कर चेयर से बांध दिया? साइलेंस, क्या समझ रही है खुद को? मुझे पसंद करती है इसका मतलब मैं भी पसंद करूं क्या? इसको ऐसे छोड़ दिया, ये मेरे दिल पर आ गई है मामा, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। रुको जरा, भांजे क्या ढूंढ रहे तू? इसको चला देते हैं। रुक जा, मैं तेरा मामा, मेरे पास एक आईडिया है, रुक जा, मैं बताता हूँ। बोलो। खोलोगे तो बताऊंगा। बताओगे तो खोलूंगा। जीजू को बोल देते हैं, ड्यूटी पसंद नहीं है हमें। अच्छा, एक मिनट मामा, आराम से बता दिया। मारा क्यों? बचपन से देख रहे हो ना मामा, तो उनको दुखी होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए। समझ गया भांजे, तुम अपने जॉब को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पिताजी को दुख होगा और तुम्हें जो जॉब पसंद नहीं है उसे करके तुम्हें दुख होगा, इसलिए एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? ये रहा मेरा और ये रहा तेरा, चल मजे कर। ये क्या न्याय कर रहे हैं सर, मैंने कितना माल मारा है और आप कितना दे रहे हैं? अगर ऐसा रहेगा तो धंधा नहीं चलेगा सर, मैं तो पूरी तरह से घाटे में आ जाऊंगा। बाकी स्टेशन के एसआई लोग 50% शेयर देते हैं, उधर चला जाऊंगा। ए इधर लफड़ा मत कर, मामला बिगड़ जाएगा। तुझ पे भरोसा करके एडवांस दे रहा हूँ तुझे, ले ये भी रख ले, कल तुझे छोड़ दूंगा। अब तो खुश है ना? आप तो कमाल के आदमी हो सर, सुना है नया एसआई आने वाला है, उसको भी लपेट लेना सर। तुझे बताने की जरूरत है क्या, अब तक मैंने कितनों को लपेटा है? अरे आने दे उसे। कॉन्स्टेबल कल्याण सर, तुझसे पूछा है क्या? तू बता। राइटर मधु सर। कितनी फिल्में लिखी है? जस्ट जो पेट अंदर कर, बटन लगा बे। ओके सर। टेप लगा, कम ऑन सेलेक्ट करो सर। वाव, व्हाट अ परफॉर्मेंस, इसी तरह एसआई के आते सेलेक्ट करना है? मतलब तुम एसआई नहीं हो? पीए हूं। किसके पीए हो? हाय गाइस, वेलकम टू अरे वाह 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 मामा। बोलो भंजे, सैल्यूट मारा गया? अम्माल का सैल्यूट मारा है। तो फिर मुझे क्यों नहीं मारा सर? इस पीए का कॉन्सेप्ट कुछ नया लग रहा है। अच्छा ऐसा क्या? पॉलिटिशियंस को, हीरो को, इन सबको पीए होते हैं, तो फिर पुलिस वालों को क्यों नहीं? दो तीन लोगों को मेंटेन करूंगा, देखता हूँ कौन क्या करता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत खतरनाक है साहब। अरे तो फॉलो हो जाओ ना सर। मैं हेड कांस्टेबल गिरधर हूँ सर। देख भाई, हम पुलिस वाले ना फ्री टाइम में एक दूसरे से परिचय करवाते रहेंगे, फिलहाल लॉकअप में जो चोर है उनसे परिचय करवाओ। इनका तो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है सर। ऐसा क्या? तू बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, चल तू बोल। सर ये चेन स्नैचिंग केस है सर, ये लैंड सेटलमेंट केस है, और ये लोग जो दिख रहे हैं वो नेशनल लेवल के ड्रग माफिया हैं सर। 6 महीने की रेकी के बाद बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं सर। गवर्नमेंट इस केस को लेकर बहुत सीरियस है सर, कल इन सबको कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं सर। चार बेवकूफी के काम करेगा तो तुझे सस्पेंड कर देंगे और लात मारकर जॉब से निकाल देंगे। और सीरियसली तू जॉब कर रहा था इसलिए बड़े अफसरों की वजह से तेरी जॉब चली गई, ऐसा तेरे पिताजी भी समझ जाएंगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होगा। कैसा लगा मेरा आइडिया भांजे? हेड छोड़ दो उन लोगों को।
ये आप क्या कह रहे हैं सर? अरे हेड भाई, थोड़ा दिमाग लगा के काम करो ना यार। ये सारे बेचारे कुरकुरे बेचने वाले लगते हैं, ये क्या कोकीन बेचेंगे? छोड़ दो इनको, पहले पुलिस स्टेशन में जगह नहीं है, ऊपर से इनका खाने पीने का खर्चा अलग। छोड़ कैसे तू सर? छोड़ने का मतलब तू समझता नहीं है क्या? मामा समझ गया मेरे भांजे। अरे ये क्या कर रहे हो सर? ये लोग जा रहे हैं सर, इन्हें रोकिए। जाने दो सर, जाओ। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो हर अखबार में हम लोग होंगे सर, और अगर ऑफिसर्स को पता चल गया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी सर। तो मेरी नौकरी जाएगी ना सर? बाद में बात से पलटना मत, ये सब आपने किया है, हमारा कोई संबंध नहीं। मैं कमिश्नर से बता दूंगा, जाके बता दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी बता के आता हूँ। हाँ देर मत करना, ये तो खतरनाक कॉन्सेप्ट है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत एक्साइटेड हो रहा है, आपको बस फॉलो करना, फॉलो। अरे ये लैंडलाइन लैंडमाइन की तरह क्यों ब्लास्ट हो रही है? हेलो, बाप रे! अरे ये तू क्या बोल रहा है? कौन है वो और कहां पर है वो? उसको वहीं पकड़ कर रख, डिसमिस ऑर्डर को साथ लेकर के आ रहा हूं मैं। डीसीपी साहब, मैं ऑर्डर साथ लेके आ रहा हूं, उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं उसको। आप बस टीवी न्यूज देखते रहिए। मामा तुम्हारी बकरी तो मर गई। ए, कौन है रे तू? देखिए सर, सब कुछ करके कितनी लापरवाही से गेम खेल रहे हैं ये लोग। डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही तूने पहले दिन इतना बड़ा कांड कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्यों? उसके लिए 10 दिन चाहिए क्या? बताओ मामा जी, अब तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। कह रे, क्या लगा रखी है पंचायत तूने? शेर से बात करने से पहले उसके पीए से बात करनी पड़ती है, मतलब मुझसे। मैं कमिश्नर हूँ। तो सिर्फ यहाँ के सिटी का कमिश्नर है रे? मैं तो पूरे पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ, क्या नाटक लगा रहा है? मामा भांजे, तेरा मामला तू देख ले, ये बड़े साहब कुछ ज्यादा ही तेज है रे। तूने इनको छोड़ने के लिए कहाँ कहाँ से रिश्वत ली है बता? तेरे पीछे और कौन कौन है? उन लोगों को नहीं, लेकिन पहले तुझे अंदर करूंगा। अरे रे 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 सर, आप फ्लो तोड़ रहे हो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई डांस करने आया हूँ क्या, या हरी कथा सुना रहा हूँ? कंटिन्यू करने की बात करता है, इतना घमंड किस लिए? और जो गलती की उसके बाद थोड़ा भी डर नहीं है तुझे? नौकरी जाने का डर नहीं है? बड़ा ऑफिसर तेरे सामने खड़ा, उसकी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है? राजा, रिस्पेक्ट देने और सैल्यूट मारने के लिए ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मैटर क्या है बोलो? मैटर क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, ड्रग्स के मामले में जो 6 आरोपी अरेस्ट किए गए थे वो सभी पुलिस स्टेशन से फरार हो गए हैं। जनता का कहना है कि इसके पीछे पुलिस की लापरवाही एक बड़ा कारण है। यही तो बात है। मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूँ, कमिश्नर को फौरन इस्तीफा देना पड़ेगा। बाप रे, मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा? तुझे ही देना पड़ेगा। अरे देखा तुमने, कैसे अरे गहरे लोग मेरे बारे में चीप बातें कर रहे हैं, एक कमिश्नर के बारे में? ए, तेरे जैसा बेवकूफ फेलो, एक इडियट फेलो, अनप्रोफेशनल फेलो, तुझे डिपार्टमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली सर, जिस दिन पोस्टिंग हुई उसी दिन तुझे डिसमिस करवाने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ, देख लेना। टेक दिस। अरे क्या बात है, दे दीजिए सर, मेरी मुसीबत टल जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, आप जैसा सोच रहे हैं ये पुलिस की लापरवाही नहीं है, ये अर्जुन कल्याण का प्लान था। ड्यूटी पर ज्वाइन होते ही पहले दिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शहर में आतंक मचा रहे नेशनल ड्रग माफिया को पुलिस ने पकड़ लिया। बोलो साइकिल ऑफिसर। सर, माफिया को पकड़ने का अर्जुन का ये प्री प्लान ऑपरेशन था। पूरे उन्होंने गुंडों को छोड़ा हमें फॉलो करने के लिए, ताकि हम ड्रग्स डीलर के साथ 100 किलो कोकीन को भी पकड़ सके। सच में ये सब हमारे सर का कॉन्सेप्ट है। सर ने हमें फॉलो करने के लिए कहा और मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दी। आपको सल्यूट है सर। इसकी तो क्या बकरा है, लगता है मैं गया काम से। ये सब तेरा प्लान है? नो। तेरे जैसे बहादुर इंसान पर मैंने इल्जाम लगाया, इतने सिंसियर ऑफिसर को मैंने छी बोला, जो मुंह में आया वो बोल दिया, मेरी बात दिल पर मत लेना। मामा ये क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं ये? तेरा टाइम खराब चल रहा है भांजे। अरे बेटा, मैंने टीवी पर अभी सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा, और घर पे आके सभी लोग तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले दिन ही आपके बेटे ने गुंडों का सफाया कर दिया, पूरे शहर में आज आपके बेटे की चर्चा हो रही है। इन सब के पीछे पॉलिटिशियंस और पुलिस भी है, कोई भी बच नहीं सकता है, ऐसा एसआई अर्जुन कल्याण ने कहा है। मैं 4 बार एमएलए का पद जीत चुका हूँ, 20 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मुझे सीट ना देकर उस गोवर्धन रेड्डी को देना गलत बात है। अरे पहले बैठिए, बैठ जाइए।
इस कुर्सी पर भी बैठना चाहते हैं और असेंबली में भी सीट चाहिए हा? अगर कल इलेक्शन जीतना है तो जनता के सामने हिलना नहीं चाहिए, उनके साथ भागना पड़ता है। भाग पाओगे? करोड़ों खर्च करना पड़ता है, कर पाओगे? जो बीच में आए उसे हटाना पड़ता है, हटा पाओगे? उम्र हो गई है काका, भूल जाओ। पिए सर, इसे उठाकर बाहर फेंक जा। तुझे एमएलए की टिकट चाहिए? चल मैं देता हूँ तुझे। मैं टिकट असेंबली में जाने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए देता हूँ। थोड़ी तो इज्जत करो मेरी। अरे बहुत दिनों से मस्ती नहीं की, रात में आऊंगा, तैयार रहना। कुछ बात करनी है आपसे। अर्जुन कल्याण, सबकी नजरों से बचा के हमने जो स्केच बनवाया था उसका अर्जुन ने पता लगा लिया। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर आप कहें तो उनका कहना है कि वो शहर इलेक्शन के वक्त कोई रिस्क नहीं, नामो निशान मिटा देंगे, उस पर हमारे आदमियों को नजर रखने के लिए कहा। जो दिल में आए वो करना चाहिए, जो दिल करे वो पीना चाहिए। मामा, जो दिल में मैं पहले से टेंशन में, ऊपर से ये घटिया गाना सुना रहे हो मामा। अरे बेटा तू भी एक मस्त गाना गा। ओ बेबी ऐसे क्यों भागे, हम तो रात भर जागे, अब दिल यही कहता है तुझसे ये मिलता है बात मान ले, हम तो हैं तेरे पीछे कब तू बोलेगी। शांति से दारू पीने नहीं दोगे क्या? मामा तेरा ससुर। ओहो, उस दिन उधर आज इधर, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? बेटा अगर उस दिन तुमने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो न जाने क्या हो जाता। बहुत बहुत थैंक्स। अरे अपनों के बीच कैसा थैंक्स, वैसे आपकी बेटी कहाँ है? तुमने मुझ पर जो उपकार किए हैं उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। सर आप भूल जाइए ना, कोई बात नहीं, बस ये बताइए बेटी। अरे चुप कर बूढ़ी मामा, दारू पीकर मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बार बार पूछ रहे हो बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है। इसके साथ भाग गई है क्या? सॉरी, अगर ऐसा होता तो अच्छा हो जाता ना भाई। आपने इतनी बड़ी बात कह दी। अरे वो क्या है कि वो अरे इतना ओपन होने के बाद शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना। अरे शर्माने की क्या बात है, तुम तो अपने हो। फ्लैशबैक बताने के लिए दारू तो चाहिए ना। चाहिए। मेरी बेटी जब स्कूल से कॉलेज जा रही थी उन दिनों की बात है। देखो बेटी, घर से बकरी का बच्चा और जवान बेटी निकल जाए तो बड़ों को होशियार रहना चाहिए। बच्चे की बिरयानी बन जाती है और बेटी की इज्जत चली जाए तो नाक कट जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, हर तरफ लड़के भेड़िए के रूप में घूम रहे हैं, इसीलिए किसी से बात मत करना। और एक बात, अगर कोई लड़का तुम्हारी तरफ देखे तो तुम उसे आँख उठाकर मत देखना। ठीक है पिताजी। फ्लैशबैक में तो मुझे कोई दूसरा फेस नजर आ रहा है। फ्लैशबैक के आखिर में तुमको क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा ओके, ठीक है कंटिन्यू। जैसे हर बाप समझाता है वैसे ही मैंने भी अपनी बेटी को समझाया था और उसने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। उसको कोई भी कुछ देता तो मुझे ला कर देती। पापा पापा पापा, क्या हुआ? किसी का फोन है तो सुबह बात करवानी थी ना। पापा ही लव लेटर्स। सुनो, तुम्हारे शो में कोई इंटरवल नहीं होता है क्या? अब क्या हुआ इसे? अरे क्या हुआ? किसने गिफ्ट दिया है? ये क्या है? लव लेटर अंकल। तेरे एंगल से मैं सुंदर हॉट कन्या लगता हूँ? चीची आपके लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। आपकी बेटी को दो तो आपको देती है, इसलिए आपको दिया। कैसे भी करके उसे सेटिंग करवा दो ना। तुझे क्या लगता है मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? चल भाग यहाँ से नालायक। इसमें असली कहानी है, पढ़ के अच्छा लगा ना। छोड़ दूंगी, मेरी इस बात को याद रखना। इसके बाप की जूस की दुकान है क्या? मैंने उसे जो समझाया वो मेरे ही गले पड़ गया और कंटिन्यूअसली मेरी धुलाई होती गई। ये सब हो रहा था तभी मेरी बेटी ने किसी गधे से शादी कर ली। 2 महीने बाद वो लड़का धोखा देके चला गया। मेरी बेटी ये सह नहीं पाई और उसने सुसाइड कर ली। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरी बातें भी उसे चुभने लगी क्योंकि अपनी बहन की मौत देखने के बाद वो हर मर्द को एक शिकारी की नजर से देखने लगी, उन पर अटैक करने लगी। इस प्रोसेस में बहुत सारे एसिड अटैक्स हुए। अरे बाप रे, आपकी बेटी के ऊपर? नहीं, मेरी बेटी ने एसिड अटैक्स। बूढ़ी मामा। ए, चलती क्या? उस दौरान एक आदमी ने अपनी जान तो बचा ली लेकिन मैं शिकार हो गया। पिताजी। उस हादसे के बाद मैं दुनिया भर के हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहा। मैंने अपना घर बार बेचकर अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई और उसके बाद मैं 30 साल का गौतम राज अब 50 साल का बन गया। अरे
अरे आपका मुंह जला तो चला, उसके बाद भी आप इतने क्यूट दिख रहे हो यहाँ पर, असली है रे। सर शर्माना छोड़िए, पहले कहानी बताइए। उसके लिए मैंने हर दरवाजा खटखटाया, हॉस्पिटल, मंदिर, गुरुद्वारा। एक दिन ऐसे ही उसने किसी पे एसिड अटैक किया, तब उसके बंदे मेरी बेटी को उठाकर लेकर जा रहे थे, तभी तुमने उसे बचा लिया। अरे उसकी शादी हो जाएगी ना तो उसका पागलपन उतर जाएगा, लेकिन जब भी कोई लड़का आता है तो उसे वो डरा धमका कर भेज देती है। मुझे प्रपोज करने वाले पर मैंने एसिड फेंक दिया था, ऐसे में अगर मुझसे शादी की बात की ना तो कहां पर डालूंगी मुझे भी नहीं पता। अगर तू ऐसे ही सबको भगाते रहेगी तो कौन पागल तुझसे शादी करेगा? अगर शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सन्यासी या नन बनना चाहती है? करेक्ट है पापा, गुड आइडिया। अरे क्या बोल रही है तू? बेटी की आधी लाइफ बीच में खत्म हो गई है और जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और बेटा वो कल नन बनने जा रही है। अरे सर उसको मैं बनने नहीं दूंगा, मैं हूँ ना। वो मर्दों की तरफ आग उठा कर देखती है ना, उसकी आंखों में प्यार लाना मेरी जिम्मेदारी। उस दिन तूने जिस ड्रेस को छुआ था उसको उसने जला दिया, ये वर्कआउट नहीं होगा बेटा। बेटी तुम प्रभु की शरण में आने के लिए तन मन से तैयार तो हो ना? मैं तैयार हूँ सिस्टर। तुम्हारे परिवार को इस निर्णय से किसी तरह की आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं है। मुझे है। बेटा मेरे साथ चलो, तुमसे 10 मिनट पर्सनली बात करनी है, चलो। चाहे हाथ से मारो या फ्लावर से मारो, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात कहूं तुमसे, गुस्से में डबल खूबसूरत लग रही हो, अब चलो ना। छी, तुम्हें सेंस नहीं है क्या? सेंस? ऐसा फिगर देखने के बाद सेंस और कॉमन सेंस काम आता है क्या? अरे छोड़ो ना ये सब, चलो। मन में इतनी सारी फीलिंग्स और इमोशंस दबाकर वहां जाके क्या करोगी? तुम जैसों का फिगर तो हम जैसों के लिए होता है, अब उन लोगों में जाकर मिल जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? बेटा आखिर ये सब क्या है? ये कौन है मुझे नहीं पता सिस्टर। तुम्हें पता नहीं है इसीलिए तो ये किस तक पहुंच गया? मेरी बात तो सुनिए। देखो बेटा, पहले दिन ही ये तुम्हारे लिए यहाँ आ गया। अगर तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी तो ये रोज यहाँ आएगा और सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, मैं कंट्रोल में रहूंगी। अरे तुम तो रह लोगी लेकिन ये नहीं रह पाएंगी। वैसे भी प्लीज सिस्टर, सॉरी, यू कैन लीव। तुम लोग भी, आप भी। वेट 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 बेबे, तुमको मर्दों से नफरत है तो नन में मिल जाओगी क्या? अगर नन में मिल जाओगी तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ? अरे मतलब हार्ट, यहाँ पर टच हुई ना तो टच होने के बाद तो ये पूरा काम से ही चला गया। तुमने भी तो मारने के लिए टच किया ना, तो अपने हाथ काट डालो। ए, तुम्हें ये सब कैसे पता? प्यार होता है तो सब पता चल जाता है। प्यार? मेरे बारे में इतना कुछ पता लगा लिया है लेकिन मैं तेरे चक्कर में नहीं फंसूंगी, ये नहीं पता। हाँ पता है, मुझे जो पता है वो तुम्हें नहीं पता, इजी होता है। बाकी सारी लड़कियों के इनकमिंग आउटगोइंग बहुत सारे होते हैं, नो रोमिंग, लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई कंपटीशन नहीं है, ओनली सॉल्यूशन। तुम मेरे प्यार में जरूर फंसोगी। बिल्कुल भी नहीं भांजे। हाँ, उस लड़की को पटाने की प्रोसेस में जॉब का मैटर भूल गया है तू? कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं, बस स्टेशन जाकर एक सप्ताह हो गया है मामा। अगर हम ऐसा एक महीने तक कंटिन्यू करेंगे ना तो वो लोग खुद ही हमें उठाकर फेंक देंगे। जरा देखो तो किसका बज रहा है, अपना राजा। बेटा मेरा नाम भरनी है, मैं एक हफ्ते से तुमसे मिलने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम वहाँ आ नहीं रहे इसलिए यहाँ चला आया। पिछले 15 सालों से मैं एक अनाथाश्रम चला रहा हूँ। बेटा मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। सॉरी बड़े भाई, मुझे तो जॉब ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन में नहीं जा रहा हूँ। आप ना कोई दूसरा रूट ले लीजिए। अरे लगता है फोन से बाहर आ जाएगा। टू टाउन जाइए। हाँ
अरे भांजे, ये कमिश्नर तो कस्टमर केयर से ज्यादा टॉर्चर करता है। फोन उठाकर उसको कुछ भी बोल दे यार, नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा यार। आने दे, आगे क्या उखड़ लेगा। आ गया। हेलमेट कहाँ है? मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, क्या तू मेरा फोन एक बार भी नहीं उठा सकता है? बार बार मैं फोन कट कर रहा हूँ, उसके बाद फोन नहीं करना चाहिए, पता नहीं पिछले एक हफ्ते से तू पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया है? ये हफ्ता क्या, अगले हफ्ते भी नहीं आएंगे, तीसरे हफ्ते भी नहीं आएंगे, क्या उखाड़ेगा तू बोल? अब कैसे मारेगा? आज के बाद मैं तुम दोनों के बीच आऊंगा ना, तो मैं अपनी कब्र यही खोद दूंगा। चलता हूँ सर, नमस्ते। तुम्हारे जैसे केयरलेस ऑफिसर्स को देख के बाकी के लोग भी केयरलेस होते जा रहे हैं, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इसीलिए मैं कहता हूँ कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे तू है कौन जो मेरे पीछे पड़ा है? तुम्हें ही इस्तीफा देना होगा। चलो इस्तीफा दो। सुनो कॉन्स्टेबल, इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, जब तक इसकी उतर न जाए तब तक इसको मारो। पुलिस स्टेशन नहीं आओगे तो पेंडिंग पड़े हुए केसेस का क्या होगा? किसान को खेत में जाना पड़ता है, डॉक्टर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लॉयर को कोर्ट जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, और क्यों है? है तो पुलिस जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन तेरी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है राजा। मैंने क्या बोला सर? अरे ये शहर अगर इतना शांत है तो इसको शांत हम जैसे लोगों ने किया है। अगर इस शहर में इतनी मोहब्बत है तो ये सब पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो मीडिया वाले हमारी खिंचाई कर देंगे भाई। तेरे अंडरकवर ऑपरेशंस की वजह से हो रहा है ये। अंडरकवर ऑपरेशन? ये क्या बोल रहे हो सर? अंडरकवर ऑपरेशन? बताओ 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 कमीशनर, बताओ। बताओ नहीं तो बहुत मारूंगा। सिर्फ एक वीक पहले ही तुम इस सिटी में आए हो, तुमने पूरी सिटी की रैकी की, बताओ क्यों आए हो, क्या प्लान है तुम्हारा? बताओ नहीं तो मारूंगा। ब्लास्ट करना है? ब्लास्ट करोगे? हम सभी लोग स्लीपर सेल्स हैं सर, सिटी में बम ब्लास्ट करने के लिए हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है सर। तुम लोगों ने बम कहाँ रखा है ये बताओ? रख पाते तब ना सर, हम जहाँ कहीं भी बम रखने जाते हैं वो आके टपक जाता है। कौन है वो? जिसने ड्रग्स का केस सॉल्व किया सर, SI अर्जुन कल्याण। दो दिन तक हम लोगों को लगा कि शायद ये कोई कोइंसिडेंट है सर, लेकिन वो हर जगह हम लोगों को फॉलो कर रहा था सर। हमारा प्लान उसे पता चल गया है, हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम लोग वापस जा रहे थे और तभी हमें इंटेलिजेंस वालों ने पकड़ लिया सर। अरे प्यारे बेटी, इनको किसने बुलाया सर? अरे ये लोग टूथपेस्ट के एड के लिए दीवार फाड़ कर आ जाते हैं। अरे ये लोग भोकाल हैं, बुलाने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही आ जाते हैं। हाँ टूट पड़ो भाई, पहले ड्रग्स केस फिर टेररिस्ट गैंग, अब नेक्स्ट प्लान क्या है सर? मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, इसने मुझे ही नहीं बताया तो तुम लोगों को क्या बताएगा? हाँ, नेक्स्ट। ठीक है सर। आपके पुलिस बनने का इंस्पिरेशन आपके पिताजी हैं, क्या ये बात सच है? कर्मों का फल। देखा ना, उनका ही फोन आ रहा है। क्या आप उनको लाइन पे लेना चाहेंगे? हाँ लो, मेरी जिंदगी का बटन भी आप ही दबाओगे क्या? अरे पिताजी है ना बेटे, उनकी जीत की वजह आप हैं, ऐसा उनका कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें मेरा क्या है, मेरा तो आशीर्वाद है, मेरी ख्वाहिश है कि वो हमेशा जीते, हमेशा। आपको आपके बेटे के नीचे काम करना पड़े तो कैसा लगेगा सर? 3 महीने के बाद मेरा रिटायरमेंट है, अगर मुझे इस तरह का कभी मौका मिला होता तो मैं डिपार्टमेंट से 2 साल अपनी नौकरी बढ़ाने की दरखास्त करता। केस को सॉल्व करने के 1 वीक के बाद बॉम्ब ब्लास्ट के प्लान को भी। इतना परफेक्ट प्लान करने के बाद ये बीच में कौन आ गया? और तू क्या उखड़ रहा था DGP? देखा ना तूने? सर, सर प्लीज कूल डाउन सर, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उस अर्जुन को बुलाकर बात करनी होगी, अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं तो। समझ गया ना तू? आप दोनों कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मैं कैसे समझ पाऊंगा? उसको बुलाने के लिए बोल रहा हूं। डीकोड हो गया।
अरे इतना पीने के बाद भी नहीं चढ़ रही है यार, अगर इसी फ्लो में आगे बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी एसीपी डीसीपी बन जाऊंगा मैं। इस सब के पीछे ना उस ज्योतिषी का हाथ है, पता नहीं किस घड़ी में उस कमीने ने मेरा कार्ड निकाला, मैं बन गया यार। इस समय कौन फोन कर रहा है? पिताजी क्यों फोन कर रहे हैं? उठा ना। क्यों बेटा, ठीक है ना? हाँ। खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया पापा। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पी रहा हूँ पापा। फर्स्ट टाइम पीने का मन कर रहा है, दुख से नहीं खुशी से। 1990 अगस्त 15, एक कमिटमेंट एक इमोशन के साथ डिपार्टमेंट में कदम रखा था। सिस्टम के साथ काम करने के बाद ट्रांसफर डिसमिस, इन चीजों ने मुझे डरा दिया था और मैं पूरी तरह सहम गया। मैं आगे कैसे बढ़ूंगा ये सोचकर मैं डर गया था कि कहीं मेरी मनपसंद वर्दी मुझसे छीन ना जाए। पिछले 15 सालों से मैं हार ही रहा हूँ बेटा, और कहीं इसी डर से मर ना जाऊं इसी बात का डर है। पर आज वो डर पूरी तरह से मर गया है और आज मैं खुद को तुझ में देख रहा हूँ बेटा। जब तू जीतता है तो मैं जीत महसूस करता हूँ। तेरी जीत से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अब अगर मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुन, इतने दिनों से जो मन में बोझ था ना वो सारा उतर गया, इसीलिए तुझे सारी बातें बता दी। मेरी बातों को दिल से मत लगाना। भांजे, पिताजी की बात सुनकर बड़ा दुख हो रहा है, उनके लिए तू बदल सकता है ना? मैं नहीं बदल सकता मामा, ऐसा ही रहूंगा। यहाँ सब कुछ तो ठीक है, नेम है, फेम है, सैलरी है, और क्या चाहिए रे? आप चाहे कितना भी बोलो, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा। गलत कर रहे हो भांजे, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो जीजाजी की धड़कनें रुक जाएंगी। इसी डर की वजह से मुझे वो लोग नहीं चाहिए। ये तो क्या बोल रहा है भांजे, अभी जो चल रहा है वो एकदम सही चल रहा है ऐसा लग रहा है ना? अगर ऐसा ही सिंसियरली ड्यूटी करता रहूंगा ना तो आगे जैसा मेरे पिताजी बोलते हैं बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ जाना पड़ेगा। और फिल्मों में ये सारी बातें जितनी आसानी से बताई जाती है रियलिटी में ऐसा नहीं होता है मामा। बाहर की जिंदगी में दो लोग अगर लड़ रहे होते हैं तो आंख बंद करके जीना पड़ता है, फिर मुझे भी उनकी तरह एडजस्ट करके ही जीना पड़ेगा। एक मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, मेरे पिताजी की तरह सिंसियर ड्यूटी करने वाले बहुत सारे जेरोक्स कॉपीज दुनिया में घूम रहे हैं। मैं भी अगर उसी कॉपी की तरह रह जाऊंगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी बाप भले ही खुद क्यों ना हार जाए पर उसका बेटा हारे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी तरह से इस जॉब से बाहर होकर मैं उनके दर्द को वहीं रोकने की कोशिश कर रहा हूं। रोक दूंगा, मैं किसी भी तरह रोक दूंगा। मैं फेल हो सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, और जल्द से जल्द इस सबका पर्दाफाश करना ही होगा, करूंगा मैं। ये ले भांजे, कमिश्नर। अब इसको क्या हो गया जो इस समय इसने फोन किया? तेरे लिए गुड न्यूज है प्यारे बच्चे। क्या बात है सर, कहीं मुझे जॉब से उखाड़ कर तो नहीं फेंक रहे हैं ना? अगर उखाड़ कर फेंक दोगे तो मैं चुपचाप रहूंगा। होम मिनिस्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप ही मिल लीजिए। इंटरेस्ट नहीं, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझसे कोई होमगार्ड मिलना चाह रहा है। देख, डिपार्टमेंट में किसी का भी प्रमोशन होता है, किसी का भी डिमोशन होता है, तो ये सब उनके इमोशन के आधार पर होता है। उनसे कभी पंगा मत लेना, चुपचाप मिल के आ जा। बाय बाय। मामा हमारे प्रॉब्लम का एंड कार्ड मिल गया है, हमको इस प्रॉब्लम से अगर निकलना है तो उस होम मिनिस्टर की बैंड बजानी होगी। एंट्री पे फोटो लगी है जैसे ड्रैगन की हो, अंदर चले गए तो बाहर आ सकेंगे ना? आ जाओ ना मामा, मैं हूं ना। ए, अगर वो हमारे रूट में आ गया तो ठीक है, वरना गेट नहीं पार करना चाहिए। होम मिनिस्टर कंटमबाई रेड्डी, क्या कटआउट है सर, 2 महीने में इलेक्शन, 1 महीने में नॉमिनेशन। ऐसे में अगर आपकी कोई आकर बैंड बजा दे तो कैसा लगेगा आपको? अगर आपका टाइम खराब हो तो अभी आपकी बैंड बज सकती है। इसमें कौन सी नई बात है, हमारे सर के लिए बैंड बजाना नई बात थोड़ी है, है ना? ड्रग्स केस या ब्लास्ट केस है जो होम मिनिस्टर इतनी आसानी से अंदर जाएगा,
अगर चाहूं तो 5 मिनट में तुझे जॉब से उखाड़ दूं। मामा यही तो आपको चाहिए ना। मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। भाई अब इससे क्या बात करनी है? बियर और बिरयानी के लिए आपको अंदर डलवा कर रहेंगे। आप अंदर चले गए तो ये किसी और को ढूंढ लेंगे, समझ गए ना? क्या बोल रहा है, अंदर डालेगा? मैं डालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग डालने का प्लान करते हैं। वो लोग मतलब वो क्या है ना, 1 घंटे के अंदर आपके घर और ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है सर। आईटी रेड? आईटी स्विच ऑफ आ रहा है सर। सभी सब कुछ ऑफ करके अपना मीटर ऑन करते हैं बायरेटे। सर इसकी बातों में कॉन्फिडेंस है और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, यहाँ से सब कुछ हटाना ही ठीक होगा। सर, होम मिनिस्टर के घर में कुछ भी नहीं है सर। सॉरी मैडम, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नई टीम के साथ आए फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है। फिर आएंगे। पूरे 200 करोड़ थे, अगर ये सही समय पर आकर इन्फॉर्म नहीं करता तो अब तक हम लोग ब्रेकिंग न्यूज में होते। मैंने तुझे सेटलमेंट के लिए बुलाया था और तू हमें सेव कर रहा है। क्या चाहिए तुझे? प्रमोशन? ट्रांसफर? नहीं नहीं नहीं। तो और क्या? मेरी जॉब उखाड़ कर फेंकनी है सर, दरिंदगी चली जाएगी। ये कैसा आदमी है सर, लोग अपनी जॉब पाने के लिए मरते हैं या अपनी जॉब उखाड़ने के लिए मर रहा है? मैं इतने सारे लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज सर। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, होम मिनिस्टर साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसी खुशी में पूरे गांव में खुशी मनाना चाहता हूं सर, प्लीज निकाल कर फेंक दीजिए ना। निकाल कर फेंक दिया, चल जा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जरा फिर से बोलिए ना। निकाल कर फेंक दिया, चल जा। चिमटी काट कर बोलिए ना। मिला लीजिए सर। वाह क्या नॉटी टच है सर, टच में रहूंगा सर, थैंक यू। मीटर घुमाया है भांजे। अब सब ओके है ना डीजीपी? यस सर। क्या झटका दिया है तूने? आपको क्या लगता है मामा, अगर पावर में हो तो थोड़ा बहुत फायदा उठाना चाहिए। उनको फोन लगाया, इसको लाइन पे लाया, तो अभी थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। अपने मैनेजमेंट से बात करके 3-4 स्पीड ब्रेकर लगाने को बोलो ना, बहुत मजा आएगा। किसको? तुमको? तुम्हें नहीं आएगा क्या? अरे बाप रे। याद है ना, इवनिंग 7 o'clock शाम। अरे पहले जॉब को तो जाने दो, उसके बाद हम कुछ और सोचेंगे। इस जॉब के बाद दूसरा जॉब भी चाहिए ना, इसीलिए अपने सीईओ से बात करके उन्हें मनाया है। जस्ट फॉर्मल इंटरव्यू, भूलना मत। ठीक है तुम जाओ, जॉब नहीं है तो लोग मर जाएंगे क्या? तुम बीमार बेड पर पड़ी हो और तुम्हारा पति दूसरे बेड की तरफ देखे तो कैसा लगेगा? इस तरफ पार्टी वीक है तो वो दूसरी पार्टी की तरफ देख रहा था, तभी मेरी इतनी चली। जिसे मेरी पीठ के पीछे खड़ा होना चाहिए वो मेरी पीठ पर वार करेगा। बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसा कहूंगा वैसा करेगी तो तुझे सिंपथी के जरिए चिता दूंगा आसानी से। मेरे दिमाग से चल, असेंबली में भेजूंगा, मंत्रालय में भेजूंगा। सर उसने हमारे साथ धोखा किया है सर। क्या बकवास कर रहा है तू? उसने पहले तो हमारा ऑफर मान लिया लेकिन फिर वो वहाँ से भाग गया। तू क्या घास छिल रहा था? सर वो जिसने मुझे ना किया उसे जिंदगी ना कहेगी। फोटो भेजो उसका। ओके सर।
हमने जो इतना बड़ा प्लान करके स्केच बनवाया था वो किसी तीसरे को पता चल गया है। बस इतना ही कलेक्शन हुआ आज का? कार की ईएमआई के लिए तो ठीक है, लेकिन घर की ईएमआई कौन भरेगा? सर, इस समय इतनी घबराहट में कौन भाग रहा है? घर के ईएमआई के लिए बकरा मिल गया, चल गाड़ी निकाल। ओके सर। क्या हो गया सर? हमारे बीच में पुलिस आ गई सर, अब क्या करें सर? ये पुलिस बीच में क्यों आ रही है सर? जो दो दिन पहले आपसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा था वो इसी रूट से जा रहा है सर। अरे ये इस समय फोन क्यों कर रहा है? हाँ बोलिए सर, जॉब से निकाल रहे हो क्या? निकाल दूंगा, लेकिन एक को जान से मारना होगा। जॉब से निकालने की बजाय जान से मारने की बात कर रहे हो? डिपार्टमेंट को एक रीजन बताना पड़ेगा। मतलब मैं किसी का मर्डर करूं क्या? इंसान को मारो तो मर्डर होता है, अगर किसी क्रिमिनल को मारा तो ऑपरेशन। तुम्हारे सामने देखो कोई भाग रहा है। कुछ दिन पहले उसने एक लड़की का रेप करके मर्डर किया था, इसीलिए पुलिस उसका पीछा कर रही है। कल उसे कोर्ट में अपीयर होना है। वो इस कैब से एस्केप कर रहा है, इसीलिए उसका एनकाउंटर करने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए एनकाउंटर करने के बाद मेरा फिर से प्रमोशन हो गया तो? एनकाउंटर के पीछे कई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन के बिना उसको मारेगा तो तुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं देख लूंगा। यू डोंट वरी। आप तो कमाल के हो सर, फोन कट करके टीवी ऑन कीजिए सर। रेप करने वाले इंसान को मारने में हर्ज नहीं है। बात कीजिए ना पिताजी। सिस्टर, ऑल अरेंजमेंट करो। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज गो आउट।
सर, एज ऑफ नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन लेकिन क्या सर? ही इज इन कोमा। ऑपरेशन करते समय हमें एक बात समझ में आई, हिज माइंड इज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड मोर ओवर बुलेट से जो उनको चोट लगी है उससे ज्यादा चोट इमोशनल है। ही इज इन इमोशनल ट्रॉमा। प्लीज ऑब्जर्व द मॉनिटर, एक बार देखिए इधर। पिताजी, ही कैन सी, ही कैन ऑब्जर्व, बट ही कांट रिएक्ट। इसका सॉल्यूशन क्या है सर? ओनली टाइम विल टेल, बट स्टिल देयर इज अ चांस। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है, किसी इमोशनल शॉक की वजह से वो कोमा में गए हैं। अब उसी इमोशन को हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा, तभी ही विल बी कमिंग आउट ऑफ द कोमा। होप फॉर द बेस्ट। इसमें मेरा क्या है? मेरा आशीर्वाद है। मेरी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो जीते हमेशा। ये सिर्फ एक ड्रेस ही नहीं है बेटा, जो लोग कष्ट में होते हैं उनकी रक्षा करती है। इस घटिया जॉब से निकाल दीजिए मुझे सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर मेरा जॉब अब तक निकाला नहीं है, और निकालूंगा तब जब तू जॉब में होगा। इतने दिनों से तू जो जॉब कर रहा था ना, वो तेरी जॉब नहीं थी। जिस कुर्सी पर तू बैठता था वो तेरी नहीं थी। इन शॉर्ट, तू पुलिस वाला ही नहीं था। जॉब से निकालने की प्रोसेस में क्या पता चला पता है? उस दिन जो सिलेक्शन हुआ था ना, उसमें तू सिलेक्ट ही नहीं हुआ था। तेरे नाम का सेम नाम और डिटेल्स, दूसरे का अपॉइंटमेंट ऑर्डर तुझे मिल गया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तेरे पास जॉब आ गई। एंड दैट वाज रॉन्ग अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तू जैसा सोच रहा है ना, वैसा लेटर तेरे ऑफिस में पहुंच गया होगा। सर लेकिन तू जैसा सोच रहा था वैसा ही तो हो रहा है, तो ये लेकिन विकिन क्या? टच में रहना। बाय सर। सर सर सर, मेरी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। असल में ये कौन? वो उसको क्यों मारना चाहता है? और बीच में पिताजी क्यों आ गए? इस सब के बीच में वो रेडी है, चलो बात करते हैं उससे। ये कांड उसी ने किया है, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। और उससे रिवेंज लेने से ज्यादा पिताजी को बचाना जरूरी है। पिताजी बच गए तो सब ठीक होगा। पिताजी को अगर बचाना है तो मुझे पुलिस वाला बनना ही पड़ेगा। क्या है अर्जुन, ये कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए? तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ है? कुछ भी हो जाए रिप्लाई तो करना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई पता है? आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कहीं भी बेइज्जत होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पुलिस। क्या कहा? तुम्हें तो पसंद नहीं था ना? तब सिचुएशन अलग थी और अब सिचुएशन अलग है। तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो अर्जुन? पहले मेरी बात ठीक से सुनो। सुनो अंजलि, मेरी बात तो सुनो अंजलि। क्या बात है, कट कर दिया? उसको अपने मीटर में रहने दो, हम हमारे मैटर पर चलते हैं। क्या कहा? जॉब चाहिए? तुम तो कह रहे थे जॉब से निकाल दो, फिर ये सब क्या है? ऐसे रूल्स नहीं मानता मैं। रूल्स तो आपके हाथ में है, तो आप किस रूल की बात कर रहे हो सर? प्लीज सर, पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरे जॉब के लिए ट्राई करो। सर मुझे पुलिस की नौकरी चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप में कोशिश करूंगा। नहीं मुझे अभी चाहिए। क्या है रे, पहले रिक्वेस्ट थी अब तेरी टोन बदल गई, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? निकाल। सर मैं यहाँ जॉब हासिल करने आया हूँ, और उसे कैसे हासिल करना है अच्छे से पता है। क्या करेगा? बदन से वर्दी उतारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, अब वर्दी चाहिए। उसके लिए कुछ भी करूंगा और कैसे भी हासिल करूंगा। सर आता हूँ। हमारा सीक्रेट कहीं बाहर न हो ऐसा देख लीजिएगा। बाहर निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, हमने कितना कुछ मैनेज किया। वो अलग है, ये अलग है। मीडिया को पता चला तो हंगामा हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।
सर। क्या हुआ? मीडिया सर। ड्रग्स ब्लास्ट ये सब तो टीजर था, अब असली मैटर पर मीटर स्टार्ट होगा। आपकी अगली प्लानिंग क्या है सर? अभी सिर्फ गाड़ी होगी, स्टेशन से काम नहीं होगा। अगर सर्कल में या एरिया में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो जस्ट वन कॉल, पुलिस ऑन द व्हील्स। आप सिर्फ एक ऐसा ही हैं। पूरे सिटी को कंट्रोल करने के राइट्स किसने दिए? ऐसा सुनहरा मौका मुझे और कौन दे सकता है? हमारे गुरुजी कमिश्नर साहब और उनके गुरुजी डीजीपी साहब। सर इसने आपको भी फंसा दिया। शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसके लिए दोनों ने मिलकर आपस में सलाह मशवरा करके ये सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है। सर इसने आपका मीटर चालू कर दिया है। मीडिया के जाते ही इसको चैम्बर में भेजो। ये सब क्या कर रहा है? जॉब जाने की बौखलाहट में कुछ भी बोलेगा? तू कॉन्सेप्ट ऑपरेशन करने वाला पुलिस ऑफिसर नहीं है, मैं तेरा फैन हूं इसलिए बोल रहा हूं। तेरा अच्छा फ्यूचर है, ऐसा उल्टा सीधा करके उसको बिगाड़े मत। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में मैं खुद तुझे रिकमेंड करूंगा। इतना टाइम नहीं है सर, मैं अपने मीटर में जाऊंगा, मुझे छेड़िए मत और मेरे बीच में मत आइए। देखो अर्जुन, ये हमारी मिस्टेक है इसलिए हम खामोश हैं। अगर चुप रहे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा लॉ हमें भी पता है सर, आप लोगों ने जो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है वो मेरे पास है। पुलिस स्टेशन में मैंने जो ड्यूटी की है उसका फुटेज मेरे पास है और मीडिया में दी हुई एक इमेज भी मेरे पास है। अगर ये लेकर मैं कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ गया ना तो जाओगे? अगर जाओगे भी तो डिपार्टमेंट के खिलाफ अकेले क्या कर लोगे? पहले पूरी बात तो कर लूं सर, मैं अकेला क्यों जाऊंगा सर? मीडिया और प्रेस को ले जाकर उनसे सवाल करूंगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, स्टेट के पुलिस से सवाल करूंगा और ऐसे नौजवानों को अगर मैं उंगली करूंगा, उन्हें और भड़काऊंगा तो जस्ट इमेजिन कीजिए सर, अगर कई हजार लोग डिपार्टमेंट के ऊपर केस करेंगे और कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो जरा सोच कर देखिए, एक बार विजुअली देख लीजिए सर। अच्छे से सोच लीजिए सर, रॉन्ग अपॉइंटमेंट लेटर की वजह से जॉब चली गई हो, ऐसा अब तक तो पूरी दुनिया में नहीं हुआ है सर। अगर ये न्यूज लीक हो गई ना तो एक महीने तक न्यूज़पेपर में हेडलाइन, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज और आप लोगों के लिए सेकिंग न्यूज बन जाएगी। सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी और सीबीआई इंक्वायरी हुई ना तो आप सभी लोगों के एक एक करके राज खुलेंगे। अच्छा तुम मारोगे और हम चुप बैठेंगे? अरे ये आपके लिए नहीं है सर, अपने डीजीपी साहब के लिए। इन्वेस्टिगेशन के साथ जब इंटरोगेशन होगा तब मेरे मैटर के साथ इन्होंने पुलिस ड्रेस पहनकर जो गंदे गंदे काम किए हैं वो सब एक एक करके बाहर निकालूंगा ना तो सीन रिवर्स होकर ये सब बाहर आ जाएंगे। अरे बाप रे, सुना इसको, ये क्या ब्लैकमेल हो रहा है? लग रहा है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो, तुझे राजनीति में होना चाहिए, तू पुलिस डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है बेटा ये बता। अभी इमोशन स्टार्ट्स और लॉजिक एंड्स, सो मीटर स्टार्ट्स। सही सलामत रहे। एक गुंडे माफिया से अनाथ बच्चों को उनकी जमीन दिला दी अर्जुन कल्याण ने।
दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा। वर्कआउट हो रहा है भांजे, तो मीटर की स्पीड बढ़ा। असली मुझे इनको अरेस्ट करके गुनाहों को बचाया अर्जुन कल्याण ने। चीट फंड के नाम पर धोखा देने वालों को सबक सिखाया है अर्जुन कल्याण ने। कौन है रे तू जिसने मेरे एरिया में आकर सेटलमेंट किया? तू है तो ठीक है। स्टेशन हमारा है या उसका? कमिश्नर का सीए हूँ मैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? सॉरी कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटी। डॉक्टर को धमका कर एक बच्चे की जान बचाई अर्जुन कल्याण ने। गैंग रेप होने से लड़की को बचाया अर्जुन कल्याण ने। ऐसे तो हमारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। हम सभी लड़कियों को अपने कैद में रखकर हमारे साथ खेला, लेकिन अर्जुन कल्याण ने हम सबको बचाया। भाई हो तो अर्जुन कल्याण जैसा होना चाहिए। ऐसा पुलिस ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। आखिर वेंकटेश ने अपने बेटे को अपने जैसा बना ही दिया। लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं आज के हीरो अर्जुन कल्याण। थैंक यू सर। एक मामूली और अनाथ अनऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनकर पूरी सिटी पर सवार हो गया है, और जो लोग एक्शन ले सकते हैं वो रिएक्शन दिए बिना डर के चुपचाप बैठे। मतलब देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। सर हमने जितनी भी जमीनों पे कब्जा किया था वो हमसे छीन के उन्हें वापस दे रहा है। सर हमारा शराब का पूरा धंधा चौपट हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग सब खत्म हो गया सर। सारे धंधे की वाट लगा दी, अब क्या करें सर? हमारी वाट लगा गया, आप ही बताइए अब हम क्या करें। आप एक बार बोलो उसकी तो। तू करेगा ये वो बोलेंगे और दोनों मिलकर आइटम सॉन्ग बनाएंगे। यहाँ जिंदगी ब्लास्ट हो रही है। सर इलेक्शन का टाइम है, लफड़े में मत पड़िए सर। एक छोटा सा पोस्ट ही तो मांग रहा है ना, उसे दे दीजिए ना सर, छोड़िए। बोल कर मारना। लेकर आ उसको। होल्ड ऑन। अर्जुन यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है बताऊंगा तो क्या मिलेगा? क्वार्टर मिलेगा या फुल मिलेगा? ये भी कमिश्नर की तरह पागल है। भांजा होम मिनिस्टर से मिलने गया है, वहां जाकर दर्शन करो। कब तक इंतजार करूं? फोन कर उसको। हैं? इतनी जल्दी क्या है, हमने भी तो इंतजार करवाया है। कभी कभी पासा ऐसे ही पलट जाता है। ऑलरेडी इलेक्शन का लफड़ा चल रहा है तो तू क्यों टेंशन दे रहा है? हा? तेरे साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ, मैं समझ सकता हूँ। तुझे तेरी जॉब चाहिए ना, बस इतना ही ना। जिस स्टेशन से तुझे निकाला है ना उसी पुलिस स्टेशन में तेरी रीपोस्टिंग करवाऊंगा। अब तो ठीक है ना? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? डीजीपी की पोस्ट चाहिए तो फिर होम मिनिस्टर की पोस्ट ले लो। रुक जा, क्या चाहिए? उन 300 लोगों को डिपार्टमेंट में वापस लेना होगा। प्लान तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम आने दे, देख। भाई पंजा गुटा चलो। 200 रुपए लगेंगे। नमस्ते सर। हाँ वेंकटेश तुम? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बेटे का पुलिस सिलेक्शन था इसीलिए। आप यहाँ कैसे? मेरा ड्राइवर भी एसआई सिलेक्शन के लिए आया हुआ है, एनकरेज करने के लिए आया था। सर सारे टेस्ट में पास हो गया सर। सुपर, वेरी गुड। देखो इधर ही होगा वो यहीं कहीं छुपा होगा।
ढूंढ निकालो उसे, जाओ। हाँ गया, छुटो से। मिला क्या? नहीं मिला भाई। चलो उधर ढूंढते हैं उसको, चलो। हाँ चलो। बेटा तुम डीसीपी के कार ड्राइवर थे ना, और ये लोग कौन है और ये तुम्हें क्यों ढूंढ रहे? तुम डरो मत, मेरा बेटा यहाँ का एसआई है, वो तुम्हें जरूर बचा लेगा। बताओ बात क्या है? हाँ हाँ आप डरिए मत सर, मैं उसको देख लूंगा। ओके सर। कार्तिक तुम्हें कल से ड्यूटी पर आने की जरूरत नहीं है। सर मैं तुम्हें ड्यूटी से निकाल रहा हूँ। सर सर क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम ड्राइवर बनकर नहीं रह सकते। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? परसों जो एग्जाम हुआ था उसमें तुम एसआई सिलेक्ट हो गए हो, अब सिर्फ दो हफ्तों में तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तुमने आखिर कर दिखाया। ये सब आपकी मेहरबानी है सर। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। ओके सर। होम मिनिस्टर के घर जाना है। नमस्ते सर। आइए डीजीपी सर, प्लीज बैठिए। थैंक यू। ये देख लीजिए सर, फाइनल लिस्ट है। लीजिए ना। नो नो सॉरी सर, मुझे आदत नहीं है। आपने कहा था कुछ जरूरी बात करनी है। इतना स्ट्रॉन्ग पैक कोई बनाता है क्या? कब सुधरेगा तू? इनडायरेक्टली बोल रहा है। कुछ नहीं डीजीपी, पिछले 10 सालों से हमारी पार्टी का बहुत नाम बदनाम हो रहा है। बहुत से एरिया में हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। पैसे देकर वोट खरीदने का तरीका तो दूसरों ने भी शुरू कर दिया है। अगर रैगिंग करने के लिए बोलो तो तुम पुलिस वाले हमें सपोर्ट नहीं करोगे। अगर पैग नहीं चढ़े और पावर नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती। इसका एक स्केच बनाया। लास्ट ग्रुप में कितने लोगों को सिलेक्ट किया है? 10,000 कैंडिडेट को, और अब उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजने का प्रोसेस चालू। फौरन उसे रोको। ये मेरी कैंडिडेट लिस्ट है, उसमें से 30 लोगों को निकाल कर मेरी पार्टी के जो लोग हैं उनको रिप्लेस करो और अपॉइंटमेंट लेटर भेजो। परफेक्ट। जिस जिस एरिया में हमारी पार्टी वीक है वहां हमारे बंदों को पोस्टिंग। रेटिंग के लिए कोई बीच में आए तो राउडिज्म करने के लिए हमारे काम आएंगे, और उसके साथ ही हमें फिर से पावर में ले आएंगे। अगले 5 साल तक आराम से पैक बना के पी सकता हूं। सर एक्चुअली ऑलरेडी डेटा फीड हो चुका है। जब गवर्नमेंट हमारी है तो डेटा से हमारा क्या काम? क्या कहते हैं सर? अगर अकाउंट में सीधे 50 लाख रुपए आएंगे तो कौन मना करेगा सर? अगर कोई मना करेगा तो आप उसे मना लेंगे। मना लीजिए ना सर। सर पुलिस ऑफिसर बनना मेरे माँ बाप का सपना है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है सर, और मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप ने। अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी सर। मैं बहुत डर गया था सर कि मैं पुलिस वाला बनूंगा या नहीं। तुम जैसे लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं मैं उन्हें हारने नहीं मेरी बात मान लीजिए। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए वो क्वालिफाई कैसे हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्राइम है सर। डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा, पूरे स्टेट का नाम खराब होगा। जब किसी को मेरे बारे में पता चल जाए तो वो मेरा फ्रेंड बन जाता है, नहीं तो उसकी लाइफ वहीं पर एंड हो जाती है। एक बार फिर से सोच ले। सर आप सिर्फ पेपर बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं,
300 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। किसी दूसरे को डीजीपी अपॉइंट किया जो उसकी बात सुने, उसके साथ अपने आप को मिला लिया। इस स्कैम से जुड़े सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए और मीडिया तक पहुंचने से पहले उन्होंने मुझे पकड़ लिया। असल में इन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए सर। एक नौजवान लड़का जो पुलिस ऑफिसर नहीं बन सका, इस सदमे में उसने सुसाइड कर लिया। सारे टेस्ट में पास हो गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहाँ पुलिस स्टेशन जाने वाला था, कहाँ पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। मैं तुम्हें जुबान देता हूँ बेटा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ सबको न्याय दिलाएगा। सर, आप मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाएंगे सर, आप जाइए सर। आ गया वो, ढूंढो उसे, ढूंढो। आ गया वो, देखो कहाँ है। मैंने जो उससे वादा किया था, मेरी ही आंखों के सामने वो सब कुछ खत्म हो गया। तुम जैसे सिंसियरली ड्यूटी करने वाले लोग वहीं रुक गए जब वो लकीर पार कर रहा था, और आज इतने लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। सब कुछ देखते हुए भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसी बात का मुझे दुख है। मैं समझ गया पिताजी, मुझे रॉन्ग अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है। रॉन्ग अपॉइंटमेंट ऑर्डर? उसने जो स्कैम किया था उसमें मुझे रॉन्ग अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया था। इस बारे में जब उनको पता चला तो अगर हम अर्जुन से बात करें और वो जॉब कार्तिक को मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब तो ओके है ना डीजीपी? कार्तिक उनके कब्जे में था और एक दिन मौका देकर वहां से भाग गया और मेरे हाथों से मारा गया। आप दुखी मत होइए पिताजी, आपने जो मुझसे वादा किया है और आपको जो न्याय नहीं मिला है वो आपको रिटायरमेंट में गिफ्ट दूंगा। दुर्योधन को जिस तरह से भगवान कृष्ण ने निकाला था, उसी तरह डिपार्टमेंट में से फेक काम करने वालों को बाहर निकालूंगा। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो युद्ध हुआ था, अब युद्ध क्यों ना करना पड़े, उन सबको लक्ष्मण रेखा पार करूंगा। अपनी कहानी सुनने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा फंड दूंगा, मेरी बायोपिक प्लान कर ले। ये करने के बजाय ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। मैं यहाँ कोई ब्लैकमेल करने नहीं आया हूँ, सेटलमेंट करने आया हूँ। करते है ना? अगर नहीं करूंगा तो करना पड़ेगा। जो पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जो देता हूँ वो लेते हैं, जो बोलता हूँ वो करते हैं, और तेरे पास तो वो भी नहीं है, क्या वो खाड़ लेगा? सर, हम जो किताब पढ़ते हैं वो हमारे सेल्फ में होती है, लेकिन हम जब उसे पढ़ते हैं तो वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, हिम्मत बढ़ाती है हमारी। उसी तरह इस यूनिफॉर्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और जब यह बॉडी में टच करती है तो एक अलग तरह का वाइब्रेशन होता है, और जब इसे पहनता हूं तो सिर से लेकर पैर तक सारी नसें खोल देती है सर, एक अलग सा जोश आ जाता है। गूज़बम्स। ऐसा एक बार नहीं हुआ है सर, कई बार हुआ है। इस तरह से यूनिफॉर्म ने मुझे जो खुशी दी है, जो जोश और हिम्मत दी है, चाहे जैसा भी मैटर हो उस मैटर को सेट करके रहूंगा। मैं कोई भी काम होने के बाद रूट्स बंद कर देता हूँ। नया रूट बनाऊंगा सर। एक भी विटनेस नहीं मिलेगा। वो भी बनाऊंगा। नो एविडेंस।
ढूंढ कर लाऊंगा। क्या लाएगा रे तू? कांतम वाई रेड्डी। वाई मतलब ट्रांसफर, और जब वोल्टेज बढ़ जाता है ना तो मीटर ब्लास्ट हो जाता है। आए, आए। ब्लास्ट होने के लिए ये पावर से चलने वाली गाड़ी नहीं है, कमांड से चलने वाली गाड़ी है ट्रांसमीटर। रोड पर चलाओ तो 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड इसकी होनी नहीं चाहिए, मगर अपने टॉप गियर में अनलिमिटेड स्पीड से चलती है। क्या समझते हो मुझे? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी जरा भी चिंता नहीं है क्या? पहले तो तुम कुछ बोलोगी, उसके बाद मैं तुम्हें बोलूंगा। ये सब जरूरी है क्या? आखिर में हमें क्या चाहिए, यही ना? इसके ही मजे हैं सर, आपके साथ खेल रहा है, उसके साथ नाच रहा है, इसका मीटर ही अलग है सर। किसको नौकरी देनी है, इतनी भी अकल नहीं है तुझे? खुद को डीजीपी कहता है। अब क्यों पछता रहे हैं? आपने ही तो इसको खुशी खुशी दिया है पोस्ट सर, पोस्ट। एक बार और चेक कर ले डीजीपी, कहीं पर कोई क्लू नहीं छोड़ना। आप टेंशन मत लीजिए सर, ऑल रूट्स लॉक्ड, ऑल डोर्स क्लोज। यहाँ पर क्यों आई है? रात को मैं आऊंगा कहा था ना? मैं बस रात को ही याद आती हूँ। वो बंगले की बात कहाँ तक पहुँची? बातचीत चल रही है सर। नहीं, जल्दी मुझे वो बंगला नहीं चाहिए। मेरा बेटा किडनैप हो गया है। पक्का ये काम उसी का होगा। सर आपको पॉलिटिकली तोड़ने का प्लान कर रहा है वो। अगर आपका मैटर बाहर आ गया ना तो आपका नॉमिनेशन तो नहीं होगा और बाकी की जिंदगी एनजीओ में। तुम्हारा उसके साथ क्या पंगा है मुझे नहीं पता। मेरा बेटा घर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं मीडिया में चली जाऊंगी। तुम तो मुझे जानते हो ना। सर मुझे तो डाउट हो रहा है, ये आपकी बीवी है कि आप इनकी बीवी है? डीजीपी ये मैटर तू अकेला डील करेगा। ओके सर। इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ये तेरे लिए सिक्योरिटी है, समझ ले। समझ गया सर। आपको किस नंबर से कॉल आया था? सर बाबू सेफ है सर। यस। लेकिन डीजीपी किडनैप हो गया। भांजे विटनेस डीजीपी था तो उसकी नाजायज औलाद को किडनैप क्यों किया? डीजीपी को किडनैप करना आसान नहीं है क्योंकि उसके पीछे पुलिस सिक्योरिटी होती है। उसे किडनैप करने के लिए पहले ट्रैप करना होगा। वेट, समझ गया। अस्थमा है तुझे ये लेमो में। शुगर। ओ, शुगर है क्या? वेट, शुगर अभी दे दे। और क्या चाहिए? अल्सर है क्या? या तेरा माँ या बाप हॉस्पिटल चला रहा है, जो तू मांगेगा वो सब देंगे हम। अबे तेरे अंदर इतने सारे रोग है तो मेंटेन कैसे कर रहा है बे? तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे उसके साथ जो कर रहा था वो लक्ष्मी कमाने के लिए ही ना। ए, मुझे कुछ हुआ तो होम मिनिस्टर तुझे छोड़ेगा नहीं। हा? मामा इसको तो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। चल भाई तेरी फ्रेंडशिप पे बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ तुझे। जंगल में एक शेर रोज शिकार करने के लिए निकलता था। उसका शेड्यूल जानने के बाद जंगल के सारे पशु पक्षी छिप जाया करते थे। शेर को जब इस बात का पता चला तो उसने जंगल में एक हिरन से दोस्ती की। फिर वो हिरन शेर को बताया करता था कि कौन सा जानवर कहां पर छिपा हुआ है, और फिर शेर को आसानी से उसका भोजन मिल जाता था। लेकिन ऐन वक्त पर एक शिकारी वहां पर आ गया और उसको जो जानवर मिल गया वो उसको मारता गया। अब शेर की भूख तो बहुत बढ़ गई और जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तब उसने अपने ही दोस्त हिरन को भगा भगा कर मारा और उसका शिकार कर दिया। इससे पता चलता है कि दोस्ती कभी कभी धोखा दे देती है, समझा? इस कहानी में हिरन कौन है पता है ना? तू चाहे मान या मत मान, मैं तेरी प्रॉब्लम कैसे भी करके सॉल्व करूंगा और उसके बाद वो खुद तुझे मार डालेगा।
अगर मैंने सब कबूल लिया तो उसके साथ मुझे भी अंदर कर देंगे। कैसे कबूल कर लूं मैं? शेर का आहार बनने से पहले सच्चाई को बाहर निकाल दे डीजीपी, और सच्चाई बताने के बाद तेरा रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है बोलकर तू साइड हो जा। इस तरह तू सेफ और तेरा जॉब भी सेफ। सोच ले। ओके। कुछ भी हो जाए गोल मैं ही मारूंगा। गोली मार। ऑलरेडी मैच फिक्स हो गया है, जितना खेलना चाहता है खेल ले। मैच तूने फिक्स किया है लेकिन फिनिश मैं करूंगा। जस्ट वेट एंड सी। भांजे एक ही ऑप्शन था, वो भी खत्म हो गया। अब क्या होगा? उसने विटनेस को मारा है, हम विक्टिम को मारेंगे। अगर आप मीडिया के सामने आकर अपनी जुबान खोले तो आपके बेटे के साथ कई लोगों को न्याय मिलेगा। प्लीज। मेरा एक और बेटा है जिसे खोना नहीं चाहती। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। देखिए माँ जी, मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिए। पैर पकड़ने की नौबत मत लेकर आइए। ठीक है माँ जी। भाई चला गया वो। ए, वो बॉल की तरह है, जितनी बार मारोगे उछलकर ऊपर ही आएगा। उसके हाथ पैर तोड़ दो। ये हमें मार डालेंगे क्या? उनके हाथों मरने से बेहतर है मामा कि उनको मार डालें। भांजे तूने बोला था कि तू मारेगा लेकिन खुद ही मार खा रहा है। मैं तुम सबको एंटरटेन करूंगा। भांजे इनके शर्ट पे लाइट कैसे चल रही? अब देखना मामा, अंधेरे में मजा आएगा। धागा खोल दे भांजे। ए, वो कोई मैजिक करने वाला है, चलो उसे मार डालो। उसने हमारे शर्ट पे रंग लगा दिया है, शर्ट उतार दो। निकालो निकालो जल्दी, छोड़ना मत उसको। चलो देखो चलो। ए, इस पे पेंट लगा है, उतार दे। शर्ट उतारेगा या मार खाएगा? ए, फोन करके पूछ उस एसआई को मारा कि नहीं। खुद भी नहीं सोता, मुझे भी नहीं सोने देता।
नहीं उठा रहा है सर। एक बार और ट्राई कर। ये भी नहीं उठा रहा है सर। तो दूसरे को ट्राई कर। करता हूं सर। ये भी नहीं उठा रहा है सर। उसने खुद फोन कर दिया सर। उठाइए उठाइए ना सर। अगर मैंने उठाया तो उसकी जीत हो जाएगी। अगर नहीं उठाएंगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी। उठाइए ना उठाइए। अर्जुन कल्याण के एक्शन से परेशान हो चुके हैं सीएम रेड्डी। ईगो मान नहीं रहा है मामा। किसी तरह से उन 300 लोगों का डेटा निकालना होगा। डिपार्टमेंट के डेटाबेस में रिक्रूटमेंट में सारा रिकॉर्ड रहता है। एक बार उधर ट्राई करें। वो सब डिपार्टमेंट के कंट्रोल में रहते हैं। नो एक्सेस। सेम इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल सकती है क्या? नो चांस। वो राइट किसी के पास नहीं है। सेम इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल सकती है क्या? नो चांस। वो राइट किसी के पास नहीं है। यस, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मतलब गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन, ट्रांसप्लांट इन्फॉर्मेशन चैट। पूछने का हक हमारे पास है और उसे देना गवर्नमेंट का अधिकार है। आरटीओ में मेरा एक दोस्त है, शायद काम बन जाए। उसने 300 लोगों को फाइनल लिस्ट में ऐड किया होगा। पहले जो 3 टेस्ट हुए हैं उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए फाइनल लिस्ट में अगर टैली करेंगे तो किसी ना किसी में वो लोग जरूर मिलेंगे। पहले मेडिकल लिस्ट टैली करना। नेक्स्ट रिटर्न लिस्ट टैली करना। और फाइनली फिजिकल लिस्ट टैली करना। अरे भांजे, उसके कंट्रोल में था इसलिए मैनेज कर लिया। हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने क्या बोला मामा? उसके कंट्रोल में था इसलिए मैनेज कर लिया। मतलब उसके कंट्रोल में जो नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकता है ना? मतलब उसके कंट्रोल में 3 चीजें हैं। वेबसाइट पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसको तो मैनेज नहीं कर सकता। इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो पक्का मिलेंगे। टैली करो, अभी उससे मैच करते हैं। चलो चलो, ये उससे मैच करके देखो। अरे बाप रे, अरे उसने इतना सब कुछ कर दिया? जी हाँ सर, सारे प्रूफ्स लेकर मैं गवर्नर के पास जा रहा हूँ। आपका फुल सपोर्ट चाहिए मुझे। सिर्फ मेरा ही साथ नहीं होगा बेटा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट तुझे सपोर्ट करेगा। थैंक यू सर। अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो सारे सबूत गवर्नर को मिल गए ना तो आपकी बाकी की जिंदगी हरिद्वार में गुजरेगी। सर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है मुझे पता है। अरे भांजे, एक घंटे के बाद ये स्टेट ही नहीं पूरी दुनिया को तू हिला के रख देगा। जीजा जी के रिटायरमेंट पर तुझसे ही गिफ्ट दे रहा है। क्या रे, रिटायरमेंट में गिफ्ट के तौर पर कोई फार्म हाउस गेस्ट हाउस देता है और तू क्या मेरी लाइफ दे रहा है? तू रिटायरमेंट गिफ्ट प्लान कर रहा है तो मैंने रिटर्न गिफ्ट प्लान किया है। हेड कांस्टेबल वेंकट रत्नम। क्या हुआ भांजे?
अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो कुछ भी कर सकता हूँ, और लास्ट के कब मारना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है। आजा देख लेते हैं। सर उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है मुझे पता है। ब्लड रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसको नहीं, उसके पाप को उठा कर ला। इस दुनिया में जो पावर किसी में नहीं होता, वो पावर इस ब्लड में होता है। वो छक मार के आएगा। वो तेरी बात सुनकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ आ भी गया तो जिंदा रहने से बेहतर है मैं मर जाऊं। वो अगर वहां से वापस चला गया तो मैं मरकर अमर हो जाऊंगा। मैं यही जिंदगी चाहता हूँ, ये मुझे अच्छी तरह पता है। डिपार्टमेंट के लिए बहुत लोग जीते हैं, पर उसी डिपार्टमेंट के लिए मरने वाले बहुत कम लोग हैं। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। मौका मिले तो पीछे मत हटना, वो किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं आएगा। वो तेरी जिंदगी के लिए जरूर आएगा। वो न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ेगा, नहीं आएगा। मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो आएगा। मेरी परवरिश कह रही है कि वो नहीं आएगा किसी कीमत पर। तू देखता जा, वो 10 मिनट के अंदर यहाँ होगा। उस 10 मिनट में तेरा इतिहास टीवी पर दिख जाएगा। कल पूरा स्टेट नॉमिनेशन भरेगा, लेकिन तेरे ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। वो 300 लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे और तू सिर्फ अकेला जेल में जाएगा। ये तेरे चैप्टर का क्लाइमेक्स है। ए, अबे किडनैप हमने किया है, ब्लैकमेल ये कर रहा है। उधर बेटा है, इधर बाप है, ब्लड। ए, भाई राजभवन के रूट्स पर अपने आदमियों को लगा दो, वो जहां से भी आए वहीं खत्म कर दो। क्यों रे, तूने तो कहा था वो नहीं आएगा। ए, उससे फाइल छीनो और चला दो। मारना मेरे लिए नया नहीं है, पर तेरे लिए बिल्कुल नया है। तू फोन करके ब्लैकमेल मुझे नहीं भी करता ना, तो भी मैं तेरे पास ही आ रहा था। ये किडनैपिंग, प्लानिंग, भाड़े के आदमी, एरिया सब बेकार चला गया। अगर मैं उस तरफ जाता तो इसको अंदर डाल देते। बाहर लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन जनता को प्रॉब्लम होती है तो वो पुलिस के पास आती है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है, अगर उनको ये पता चल गया ना, तो पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझा। और इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो, ये मुझे गंवारा नहीं। फिर उन लोगों का क्या होगा? उसका भी एक मीटर है। भाई लोग, तुम्हारे बॉस के साथ एक छोटी सी डील करने के लिए आया हूँ। अगर सेट नहीं हुआ ना, तो मिलजुल कर एक दूसरे को मारेंगे। तब तक जस्ट वेट एंड सी। मेरे पास तो फेक लोगों की लिस्ट भी है, लेकिन तेरे पास ओरिजिनल कैंडिडेट की लिस्ट है। ऑन द स्पॉट उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर चला गया, तो अभी के अभी मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मना किया ना, तो होम मिनिस्टर तुझे सब कुछ पता है। आखिर बात क्या है ना, अपना खून बहुत गर्म है। अगर उतारना शुरू करूं तो चॉइस इज योर्स। मैं तुझे पागल नजर आ रहा हूं। अबे मैंने ये सब किया दोबारा पावर में आने के लिए। ऐसे में जो मैं हार चुका हूं, उस डील के लिए क्यों मानूं? तेरा पावर कट हो जाए ऐसा मीटर बताऊं क्या? आजा, आओ ना सर। ये होम मिनिस्टर को ही बेवकूफ बना रहा है, कौन सा मीटर डालेगा पता नहीं। क्या बताऊं सर, आपका सेकंड सेटअप एकदम सुपर्ब है। क्या बात है, एक दूसरे के जाने दुश्मन एक दूसरे के लिए लवबर्ड बन गए हैं। सर का मीटर डाल दिया क्या? क्या समझ रहा है तू? He is my partner। अरे बाप रे,
वेंकट रत्नम जी, तुम बाप बेटों की डील मुझे बहुत पसंद आई। ए, ओरिजिनल लिस्ट में जो भी है उन सभी को अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचाओ। उन सभी को अपना जॉब मिलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे भेज दें? जिनसे पैसे लिए उनका क्या? जिसने 10 दिया उसे 20 दो, जिसने 20 दिया उसे 25 दो। मेरे फ्यूचर की बात है। ठीक है बेटा, मैं चाहता था कि उन लोगों के साथ न्याय हो, पर तूने उनके साथ डिपार्टमेंट की भी इज्जत रख ली। मैं चाहता था कि तू जनता की सेवा करे, पर सोचा नहीं था तू डिपार्टमेंट की इज्जत रखेगा। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। We are very proud to have such a police officer like you. आपके बेटे की वजह से 300 लोग पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं, जो डिपार्टमेंट के लिए फख्र की बात है। This is the best recruitment in the history of department. And also, this is the best retirement in the history of police department. डिपार्टमेंट के प्रति आपकी दीवी सर्विसेज को कंसीडर करके हायर ऑफिशियल्स के सभी ऑफिसर और डिपार्टमेंट आपको ये सम्मान देना चाहता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट बचाने के लिए बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर अर्जुन कल्याण ने जो हेल्प की है उसे देखते हुए स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में SI से उसे प्रमोट किया जाता है। इस इलेक्शन के लिए हमने कितनी मेहनत की है, पता नहीं जीतेंगे या नहीं। इस बार इलेक्शन में जीतना तो मुझे मुश्किल लगता है। बाहर उनको ही नहीं सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है। घबरा मत, क्लीन स्वीप कर रहा हूं। उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? साइड में जाकर क्या डाला आपके अंदर? आप अपनी पार्टी के निशान पर अंगूठा लगाइए, अब दूसरी पार्टी के निशान पर लगाइए। क्या ही है, अंगूठा कहीं भी लगे हमारी पार्टी में निशान लग रहा है। This is called latest tampering technology from Korea. ये हमने मिलकर ऐप इंस्टॉल किया है। ये ऐप हमारे इलेक्शन में काम आ जाए, कहीं कोई भी अंगूठा लगाए, लेकिन आखिर में वोट आपको ही मिलने वाला है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। ये बहुत ही सीक्रेट और कॉस्टली है सर। आपके पापा के रिटायरमेंट पर मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ। एंजॉय। सुपर्ब। एक मिनट। मार डालूंगा अगर बोला तो। ये कोई टैम्परिंग वैम्परिंग या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कोरिया की। वो पिंग पंग दिखाकर तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। ये चाइना का एक गेम ऐप है। ऐप है? तुम जैसे अनपढ़ गवार होम मिनिस्टर का पीए मुझे बनना पड़ा है, ये मेरी बदकिस्मती है, बदकिस्मती। 27 घंटे से चल रही राजकीय समीकरण के आधार पर होम मिनिस्टर अरेस्ट, जेल में करेंगे रेस्ट। आइए साहब, आप लोगों का ही इंतजार था। ए कमिश्नर, क्या ड्रामा है ये? सर आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। हमारे सर वहाँ पर बुक होते हैं, यहाँ पर बुक नहीं होते हैं। किसी एक ही आदमी पर एक ही दिन में एक ही टाइम में 300 केस फाइल होना, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में फर्स्ट टाइम प्राइम टाइम ऑल टाइम रिकॉर्ड है सर। 300 केस हैं? यस, चोरी करना, रेप, मर्डर, सेटलमेंट, कब्जा, डकैती डालना, एक ही नहीं टोटल लाइफ टाइम में हर क्राइम में केस फाइल किया गया है, और वो भी सिर्फ आपके नाम पर। उस एक केस को छोड़कर, उस एक गुनाह को छोड़कर सर, आपको अगर किसी भी केस में अरेस्ट किया जाए, लेकिन सजा आपको उसी की मिलेगी सर। पॉलिटिक्स आपको ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट को भी आती है। उसने आपका मीटर बदल दिया है सर। फिर से आ गया तू? मैं हटूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे इस्तीफा देना होगा। अरे कम से कम क्लाइमैक्स में तो छोड़ दे मुझे। अरे ये बता, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे मैंने लाइट का बिल नहीं भरा तो मेरा लाइट का कनेक्शन काट दिया, इसलिए मैं अपने ग्लास में पानी नहीं डाल पा रहा हूँ, इसीलिए तुझे मैं इस्तीफा देने के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर होता है। तू भी तो कमिश्नर है ना? जब तक कमिश्नर इस्तीफा नहीं देता तब तक मैं नीडी पीता रहूंगा। इस्तीफा देना होगा।